केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सितारों की निजी जिंदगी के कई ऐसे अनसुनी किस्से होते हैं जो शायद आपको नहीं पता होते हैं। भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने लव मैरिज किया, लेकिन यह लव मैरिज ज़्यादा दिन तक ना चल सकी और तलाक हो गया, जिसमें से कुछ हीरोइनों ने दोबारा शादी कर अपना घर बसाया तो कुछ का शादी से विश्वास ही उठ गया और आज वह अकेले जिंदगी बिता रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भोजपुरी के चार अभिनेत्रियों के नाम जिन्होंने अपने सफल करियर के दौरान लव मैरिज किया, लेकिन यह लव मैरिज ज़्यादा समय तक न चल सकी और तलाक हो गया। तो पहला नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में हॉटकेक के नाम से मशहूर अंजना सिंह की। तो अंजना सिंह और भोजपुरी एक्टर यश कुमार मिश्रा फिल्मों के काम के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे, फिर दोनों ने लव मैरिज किया, लेकिन इनके बीच का प्यार बहुत समय तक न टिक सका और एक बेटी के जन्म के बाद ये दोनों एक्टर तलाक लेकर अलग हो गए। तलाक के बाद यश मिश्रा और भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा के लिंकअप की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अंजना सिंह अभी भी सिंगल हैं। दूसरा नाम है पाखी हेगड़े का। भोजपुरी फिल्मों में काम करने से पहले यह साउथ के फिल्मों में काम करती थी और आज पाखी हेगड़े भोजपुरी का एक जाना माना चेहरा है और यह मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। दोस्तों, अब पाखी हेगड़े भोजपुरी फिल्मों में बहुत ही कम नज़र आती हैं, लेकिन इनके म्यूजिक एल्बम आज भी रिकॉर्ड तोड़ रहते हैं। अब फिल्मी प्रोडक्शन में ये अपना हाथ आजमा रही हैं और इन्होंने अपने प्रेमी उमेश हेगड़े से लव मैरिज की। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और कुछ सालों बाद तलाक हो गया। तीसरा नाम है श्वेता तिवारी का। श्वेता तिवारी भी भोजपुरी की एक चर्चित अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ काम किया है। श्वेता तिवारी ने भी अपने प्रेमी राजा चौधरी के साथ लव मैरिज किया था, लेकिन यह लव मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और तलाक हो गया। राजा चौधरी और श्वेता तिवारी की एक बेटी भी है जिसका नाम पलक तिवारी है। इसके बाद श्वेता तिवारी ने दोबारा शादी करने का फैसला किया और अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन ये शादी भी असफल रही। और आपको बता दें कि श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की भी एक बेटा है। चौथा नाम आता है रश्मि देसाई का। रश्मि देसाई भी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। साल 2012 में रश्मि देसाई ने अपने प्रेमी और टीवी एक्टर नंदीत सिंह संधू के साथ लव मैरिज किया, लेकिन शादी दो साल बाद ही इन दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे और आखिरकार चार साल बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। आज भी जब रश्मि से उनकी टूटी शादी के बारे में सवाल किया जाता है तो वह भावुक हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये रहे भोजपुरी के चार ऐसे अभिनेत्रियों के नाम जिन्होंने लव मैरिज किया, लेकिन इनकी लव मैरिज सफल नहीं हो सकी और तलाक हो गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।